हेलो गाइस, मेरा नाम अनंत है और आज मैं बताने वाला हूँ बेबी हट लील मॉन्स्टर स्टॉलर के बारे में। तो ये स्टॉलर बेसिकली यूज होता है जैसे आप ट्रैवल करते हो बहुत ज्यादा मंथ में 2-3 बार बच्चों को लेके, तो आपके लिए ये स्टॉलर बेस्ट है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका जो है कैनोपी, फुल कैनोपी। इसका फायदा ये है ये फुल कैनोपी है, जैसे कि धूप हो गया या धूल, स्पेशली धूल जो उड़ते हैं, आप फुल कैनोपी करके रखिए, बच्चों को बिल्कुल भी धूल मिट्टी कुछ नहीं लगेगा। जैसे बच्चा सो रहा है तो आप फुल कैनोपी कर दो, हो गया। आपको लॉक करना है, देखिए यहाँ पे लॉक, ये हो गया लॉक है ना, दाहिनी साइड में लॉक है, ये हो गया लॉक। अब ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि बच्चा उठ गया, जग गया, तो अब इसको हटाने के लिए लॉक हटा दो, इधर से हटा दो और ये पूरा हो गया फोल्ड। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो है इसका कुशन और सेफ्टी बेल्ट। तो इसका कुशन जो है सॉफ्ट है, वॉशेबल भी है। अब हम बात करेंगे इसका बेल्ट के बारे में, सेफ्टी बेल्ट। ये इधर से खुल जाता है एंड देन बंद भी हो जाता है, तो ये सेफ्टी बेल्ट ज़रूरी है। जैसे बच्चा खेल रहा है, प्ले कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप सेफ्टी बेल्ट ज़रूरी है, वरना वो गिर भी सकता है जहाँ भी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो ये फुट रेस्ट, ये जैसे बच्चा पैर फैलाना चाहता है तो आप इसको फोल्ड कर दो, ये हो गया फोल्ड, ठीक है। ये नीचे क्लिप से देखिए, ये क्लिप है, दोनों तरफ क्लिप है, आप क्लिप को पुश करिए एंड देन नीचे हो गया, ऊपर करना है ऊपर करिए, ये पूरा फोल्ड हो गया, मतलब यहाँ से बंद हो गया एंड देन ये हो गया लॉक। अब हम बात करेंगे इसके जो है व्हील्स के बारे में। इसका व्हील पूरा 360 डिग्री रोटेट है, इजीली रोटेट हो जाता है ना। एंड हम बात करेंगे इसका जो है पोजिशन के बारे में। इसका ये हो गया सिटिंग पोजिशन। अगर आपको बच्चा सो रहा है, लेटा है, लेटना है उसको, तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे पीछे जो है इसका क्लिप्स है, ये सेम क्लिप बैक साइड में भी है इस साइड में, तो आप क्लिप को जस्ट पुश करिए, ये हो गया पोजीशन, सोने वाला पोजीशन, बच्चे स्लीप करेगा आराम से। यहाँ से ये पूरा है, तो अगर आपको ऊपर करना है, बच्चा जग गया है ना, तो आपको कुछ नहीं, बस इसको ऊपर करना है ना, बस ऊपर करना है, ये हो गया पूरा ऊपर, ठीक है। एंड देन हम अब बात करेंगे इसका पॉकेट है, यहाँ पे आप बच्चों का जो है बोतल सिपर हो गया या आपका फ़ोन हो गया है ना, तो फ़ोन आप यहाँ पे रख सकते हो। सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक पूरा कवर है, यहाँ पे जैसे बच्चा हाथ रख के प्ले कर सकता है ना, बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, जैसे भी प्ले कर रहा है तो ये खुदक के बाहर नहीं जा सकता बिल्कुल भी। एंड देन हम अब बात करेंगे इसका जो है ये फोल्ड कैसे होता है। अब हम दिखाएंगे इसे फोल्ड कैसे होता है, चलिए दिखाते हैं। तो फोल्ड करने के लिए कुछ नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही। अब देखिए यहाँ पे जो क्लिप है, ये क्लिप है, ठीक है, ये क्लिप को कुछ नहीं, बस ऊपर कर दो, ये हो गया है ना, नीचे करने के लिए दाबो, हो गया, ये क्लिप है, ऊपर कर दो और ये हो गया आपका, दाब के देन थोड़ा सामने पुश करिए, हो गया आपका फोल्ड। एंड देन यहाँ से ये हो गया लॉक। अब आप इसे ऑन व्हील ले जाइए या आपको कंधों पे लेना है, तो इजी, ये बहुत ही लाइट वेट है, ऐसे नहीं बहुत भारी, लाइट वेट बिल्कुल भी, कोई भी उठा सकता है इसे। अगर आपको ऑन व्हील लेना है तो ये आप ऐसे इजीली कैरी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको फिर से सेम पोजीशन पे लाना है तो इधर के लॉक हट गया एंड देन इसको कुछ है, ये नीचे क्लिप है, इसको दाबिए, ये हो गया लॉक, ठीक है। अगर आपको ये स्टॉलर बाय करना है तो हमारा स्टोर का एड्रेस है गेटर नोएडा, बीटा 2 ओमैक्स मॉल। थैंक यू गाइस।